नमस्कार, मैं अरविंद शुक्ला, एस्ट्रो तक में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं दीपावली पूजन या लक्ष्मी पूजन विधि, तो आज इसके विषय में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले माँ लक्ष्मी के चरणों में नमन करते हैं। आरुण कमल संस्थान तत्र जह पुंज वर्णाम कर कमल धृतेष्टाम वीति युगमांबुजाच मणिमुकुट विचित्रालंकृता कल्पजालई सकल भुवन माता संततम श्री श्रियै नमः। श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधि श्रीविभावनः श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमान् लोकत्रयश्रयः श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम श्री महालक्ष्मी नमः। तो माँ लक्ष्मी के जो पूजन की विधि है, इसमें आप सबसे पहले ये ध्यान रखें कि गणेश, कुबेर और श्रीयंत्र, श्रीयंत्र के रूप में जो पूजन होता है वो माँ लक्ष्मी का होता है। इसके अलावा आपका कलश और साथ में जो आप पूजन करते हैं वो भगवान विष्णु का ही पूजन करते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि लक्ष्मी, ऐसा भी कर सकते हैं कि गणेश, कुबेर, कलश, विष्णु आदि का पूजन कर लें, उसमें बीच में संक्षिप्त में माँ लक्ष्मी का भी पूजन करें और बाद में माँ लक्ष्मी का षोडशोपचार से पूजन करें। माँ लक्ष्मी के पूजन के बाद आपका जो बही खाता आदि का पूजन होता है उसका भी पूजन करें, लेखनी आदि का पूजन होता है उसका भी पूजन करें। तो मैं माँ लक्ष्मी के पूजा के विषय में आपको बता रहा था कि माँ लक्ष्मी का जो पूजन है उस पूजन में आप क्रमशः गणेश, माँ लक्ष्मी, कुबेर, कलश और संक्षिप्त भगवान विष्णु का भी पूजन आप करेंगे। बाद में विशेष जो आपको मंत्र का जाप करना है, पाठ करना है, वो माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप पाठ करें। जैसे कि मंत्र नोट कीजिएगा, मैंने प्रार्थना में भी बोला है, अभी फिर एक बार बोलता हूँ, सर्वोत्तम मंत्र रहेगा। आपको कुछ भी माँ लक्ष्मी का नहीं आता तो इस मंत्र को जरूर बोलिए। क्या? ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करें, उस दिन निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। इसके अलावा पूजा, पूजा में आपको क्रमशः जैसे भी आता है वैसे पूजा में सबसे पहले आप इन तस्वीरों को रखें और इनको फिर पुष्प लेकर के हाथ जोड़ें, हाथ जोड़ करके आँख बंद करके आप स्मरण करें कि आपका आवाहन हो और मेरे घर में आप जो है मुझ पर कृपा करें। फिर इसके बाद उनके ऊपर आप जल अर्पण करें। पूजा का विधान बताने में थोड़ा लंबा होगा, लेकिन संक्षिप्त में बता रहा हूँ आपको मैं कि जल आदि उनको अर्पण करें। और यदि नई तस्वीर, नई चीज़ें लाए हैं आप तो उसको प्रतिष्ठित करें। प्रतिष्ठित में भी प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र होता है, ओम मानो जियो त्रिजुखाता माँ जस्य बृहस्पति जन्मंतानो तो वरिष्ठं जनगुसमीमं दधातु विश्वे देवाश इह मा दयन्ताम ओम प्रतिष्ठा। ये बड़ा मंत्र हो गया। यदि आपको ऐसा नहीं आता है तो आप छोटा मंत्र भी बोल सकते हो, प्राण प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा वरदो भव, जिसका भी है, ओम गंगणपतये नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम घटाय नमः या ओम विष्णवे नमः, और माँ लक्ष्मी के लिए ओम महालक्ष्मी नमः। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, डेली जो आप पूजन करते हो वो लक्ष्मी माँ का पूजन करते हो, लेकिन दिवाली की रात्रि जो पूजन होती है, जो पूजन आप दिवाली की रात्रि में करते हो वो महालक्ष्मी का पूजन करते हो, वहाँ शब्द महा लग जाता है। जैसे देवों के देव महादेव, उसी प्रकार महालक्ष्मी का पूजन होता है। तो बहुत विधिवत करें आप पूजन, और जिन मतलब जानकार व्यक्तियों को ज्ञान है तो वो बहुत अच्छे से माँ लक्ष्मी के 16 मंत्र हैं जिसको कहते हैं श्री सूक्त, उनका पाठ अवश्य करें। ऋक वेदोक्त हैं, बहुत ही उत्तम वो मंत्र हैं। यदि वो नहीं आ रहे हैं तो जो मैंने मंत्र बोला है लक्ष्मी जी का, इस मंत्र का वो जाप करें। ये भी संभव नहीं है तो माँ लक्ष्मी के छोटे मंत्र को ले लें और छोटे मंत्र का जाप करें। उसके साथ साथ आप पूजा में, मैं बता गया कि प्रतिष्ठित करने के बाद, जल आदि चढ़ाने के बाद फिर उनको आप जो है पंचामृत आदि बना लें, पंचामृत आदि से स्नान कराएं या क्रमशः जो है दूध दही घी
और आप शहद चीनी आदि से क्रम से एक एक करा के फिर यथा पंचामृत से करा सकते हैं। उनका आप अभिषेक भी करें, अभिषेक आप जो है दुग्ध की धारा से कर सकते हैं या अनार के रस से कर सकते हैं, वो भी बेहतर रहेगा। अभिषेक जो करेंगे वो आपके 16 मंत्र होंगे श्री शुक के, इसके बाद आप उनको फिर से शुद्ध स्नान कराएं, शुद्धोदक स्नान। स्नान कराने के बाद आप वस्त्र आदि उनको पहनाएं, वस्त्र आदि पहनाने के बाद फिर आप उनको चंदन आदि लगाएं। चंदन आदि लगाने के बाद अक्षत आदि अर्पण करने के बाद, जैसे गणेश जी के विषय में हैं तो उनको आप यज्ञोपवीत चढ़ाएंगे, कलश में भी आप यज्ञोपवीत चढ़ाएंगे, उसके बाद आप जो है कुबेर में भी यज्ञोपवीत चढ़ाएंगे और भगवान विष्णु में भी चढ़ाएंगे, लेकिन माँ लक्ष्मी को यज्ञोपवीत नहीं चढ़ेगा। इस प्रकार आप करते हुए आगे आप बढ़ करके दुर्वा आदि अर्पण करें, और इस दुर्वा आदि अर्पण के बाद आप जो है सिंदूर आदि, सिंदूर के बाद नाना परिमल द्रव्य हो गया, फिर धूप आदि दिखा दें, दीप आदि दिखाएं, इसके बाद आप जो है इत्र आदि उनको जो है अर्पित करें, और उसके बाद जो है इत्र नहीं, पहले इत्र करें, फिर धूप करें, फिर दीप करें, और उसके बाद फिर जो है आप प्रसाद आदि अर्पण करें, और प्रसाद के बाद आप फल करें, फल के बाद आप जो है तांबूल यानी लौंग इलायची सुपारी, और इसके बाद आप जो है उनको दक्षिणा अर्पण करें, फिर इसके बाद आप प्रार्थना करें। ये मैंने जो बताया पूजन, इसमें बहुत सारी चीज़ें कुछ मैंने छोड़ दी हैं जो आपके लिए संभव नहीं है, वो कुछ जो जानकार व्यक्ति होते हैं या जो कुछ विद्युत पंडित लोग होते हैं वो कर पाते हैं, जैसे गंधोदक स्नानम, इसके बाद आपका फलोदक स्नानम, इसके बाद आपका जो है दूध से भी अभिषेक होता है और फल से भी अभिषेक होता है माँ लक्ष्मी का, इस प्रकार कई सारी चीज़ें मैंने उसमें अभी आपको नहीं बताई हैं क्योंकि वीडियो ही बहुत लंबा हो जा रहा है। तो इस प्रकार से आप करें। उसके बाद आपको यदि आता है कुछ भी माँ लक्ष्मी का, जैसे लक्ष्म्याष्टक नमस्ते स्तु महामाये श्रीपीठेश्वर पूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते, या कनक धारा आता है तो अंगम हरे पुलक भू क्षणमाश्रयंती भृंगांगने व मुकुला भरणम तमालम, या श्री शुक्त आपको आता है तो ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजत स्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मी जातवे दो मावह। इस प्रकार से कुछ भी आपको माँ लक्ष्मी का आता है, मंत्र आता है, श्री शुक्त आता है, आपको कनक धारा आता है, लक्ष्म्याष्टक आता है, कुछ भी आता है, आप उसको भाव विभोर हो करके, और जो मैंने बताया आपको स्थिर लग्न, वो दिन में भी है रात्रि में भी है, जब आपके पास समय मिलता है आप कीजिए, और करके आप फिर देखिएगा कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होती है कि नहीं, निश्चित रूप से होगी। आपका यदि भाव प्रधान है और आप भाव विभोर हैं तो कुपुत्रो जाएता क्वचिदपि कुमाता न भवती, ये वो माता हैं, और जिनके विषय में कहते हैं मत्समः पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समानहि एवं द्यात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। आप करके देखिए, निश्चित रूप से भगवती माँ लक्ष्मी की कृपा जरूर होगी। तो बस आज इतना ही, नमस्कार।